हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं पावर सीरीज मेथड की हेल्प से। तो पावर सीरीज मेथड जो वो क्यों यूज़ किया जाता है, जब हमें एक्स ऑफ एम के कुछ ही टर्म्स फाइंड करने हो, यानी यूज्ड टू फाइंड फ्यू टर्म्स, टर्म्स ओनली। जब हमें सीरीज के कुछ ही टर्म्स फाइंड करने हैं टाइम डोमेन में, तब हम पावर सीरीज का यूज करते हैं। अब इसमें दो कंडीशन है, एक कोजल के लिए, एक नॉन कोजल या एंटी कोजल के लिए। जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसके पावर्स के पे ही डिपेंड करेगा। तो कोजल के लिए क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, कोजल के लिए डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, कैसे टर्म को अरेंज करना, हाईएस्ट पावर से लेकर लोवेस्ट पावर तक, यानी हाईएस्ट पावर टू लोवेस्ट पावर। एंटी कोजल या नॉन कोजल जो भी कहो, उसमें क्या करेंगे, इसका अपोजिट डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करेंगे, डिवाइडर डिनोमिनेटर से ही करना न्यूमेरेटर को, तो डिनोमिनेटर को इसमें क्या करना, लोवेस्ट पावर टू हाईएस्ट पावर। ये अब चीजें पता होनी चाहिए जब पावर सीरीज मेथड लगा रहे हो। बस ये ध्यान रखना, जब कुछ भी एक दो टर्म पूछें, तीन या चार टर्म पूछें, तब पावर सीरीज मेथड का यूज़ करेंगे। और इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक कोजल के लिए, एक एंटी कोजल के लिए। कोजल के लिए डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर में अरेंज करना अगर नहीं है तो। एंटी कोजल के लिए जब फाइंड करेंगे तब क्या करना, डिनोमिनेटर को लोवेस्ट पावर से हाईएस्ट पावर में अरेंज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्स ऑफ जेड इक्वल टू, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस आर ओ सी का फर्क है। तो यहाँ देख सकते हो मोड जेड 1/2 से बड़ा, मोड जेड 1/2 से छोटा। तो जेड की तरफ जब साइन ग्रेट देन का साइन होता है, या जेड जो किसी भी नंबर से बड़ा होता है, तो इसका मतलब होता है वो कोजल है। तो ये किसका केस है, कोजल का। ये जेड से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेट देन का साइन, यानी जेड छोटा हो गया, जब जेड बड़ा होता तो कोजल, जब जेड छोटा हो जाता तो एंटी कोजल या नॉन कोजल जो भी लिखो। तो पहला क्वेश्चन जो हमें क्या करना, कोजल के हिसाब से करना, दूसरा एंटी कोजल के हिसाब से करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर में है या नहीं। तो जेड की पावर 2, जेड की पावर 1, जेड की पावर 0 होगी। ये 1 का मतलब क्या, जेड की पावर 0। तो हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर में अरेंज है पहले वाला पार्ट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो स्कूल में पढ़ते थे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता, यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं जिससे डिवाइड करना, यानी डिनोमिनेटर से। एक काम हुआ, थोड़ा सा इधर लिख लो, कितना डिनोमिनेटर, 2z² - 3z + 1 से डिवाइड करना, किसको, न्यूमिनेटर को, जेड को। ठीक है, तो बस डिवाइड करना शुरू कर दो। कितना आ जाएगा यहाँ से, इस जेड को डिवाइड करना, एक तो 1/2 आ गया, 1/2 जेड से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन पहले टर्म की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और जेड की पावर तो 3 हो जाएगा। तो जेड की पावर कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, -1। ठीक है, तभी तो जेड स्क्वायर की जेड के पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जेड मिलेगा, और 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड मिलेगा। यानी पहले टर्म का मल्टीप्लाई करने पर सेम चीज़ मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल स्कूल वाला तरीका। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा जेड, अगले वाले से करूँगा तो कितना मिल जाएगा, -3/2 जेड, ये हो जाएगा केवल -3/2 ही बचेगा, जेड की जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा, और ये 1 से करूँगा तो 1/2 जेड की पावर -1। लॉन्ग डिवीजन स्कूल में करते थे, वही काम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। बाकी अब क्या करते थे, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते थे। सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, सभी को पता है, इनके साइन को अपोजिट कर देते हैं। ये प्लस का जेड तो यहाँ पे माइनस का हो गया, ये माइनस का नीचे ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, जेड माइनस जेड, बाकी के टर्म आए उनको लिख लो।
अब ये कितना आ जाएगा, 3/2, जो नीचे वाला साइन है वो काम करेगा, ऊपर वाला नहीं, तो 3/2, और यहाँ पे ये 1/2 जेड इनवर्स। नेक्स्ट आगे डिवाइड करो, यानी मुझे किसे डिवाइड करना है इस बार, 3/2 को 2z इनवर्स है। पता लगाना है तरीका क्या, जो भी ये पहले टर्म है उसको उसके पहले टर्म से डिवाइड करके पता लगा लो ऊपर क्या लिखना हमें। तो मुझे 3/2 को किससे डिवाइड करना है, 2z² से। इसका मतलब क्या हो गया, 3/2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों होगा, चलो ये बता देते हैं। ये जो डिवाइड है वो किस में चेंज हो जाता है, इसके नीचे 1 लिख लूँ तो ये इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी मुझे किससे डिवाइड करना अगली बार, 3/4 z² है तो z^-2 ऊपर पहुँच जाएगा। तो मुझे किससे डिवाइड करना, 3/4 z^-2 से। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/2। बस कितने टर्म फाइंड करने हैं, 3 या 4 मैक्सिमम, 3 या 4 से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं फाइंड नहीं करने। तो मुझे इसको हटा देता हूँ मैं, 3/2 मल्टीप्लाई कर दो बस इसकी, -3z से इसकी करूँगा तो कितना आ जाएगा, -9/4 और z^-1, और 1 से करूँगा तो कितना आएगा, 3/4 z^-2। तो ये अगेन अब इनके साइन अपोजिट कर दो, 3/2 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। अब इनको क्या कर देना, कर दो, ये कैंसिल हुआ, बाकी को ऐड करके लिख दो, ये z^-1 वालों को ऐड कर दो। तो ये एक तो यहाँ पा रहा है -1/2 और यहाँ पा रहा है ये 9/4, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 4-2+9 यानी 7/4 z^-1। आगे तो कुछ है नहीं, इस वाले को ऐसे एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस के साइन के साथ आएगा, जो नीचे साइन होता है वो अलग साइन काम करता है। अब इसको हटा दो, बस एक टर्म और निकाल लो, बस 3 ही टर्म में ज़्यादातर निकालने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगली बार 7/4 z^-1 है, तो इसको डिवाइड कर लिखे देख लो, किससे डिवाइड करना है पहले ये पता लगाओ। 7/4 z^-1 को पहले टर्म क्या, 2z² से हमेशा डिवाइड करते हैं, अगेन वही काम, नीचे वाले से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/4 z^-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2z², नीचे 1 लिख लेंगे ना, तो ये z² ऊपर जाके 7z^-3 कर देगा और नीचे हो जाएगा 8। तो मुझे किससे डिवाइड करना है इस बार, 7/8 z^-3 से। तो पहले वाले से मल्टीप्लाई करूँगा वो तो सेम ही आ जाएगा, अगले वाले से करो 7/8 z^-3 की -3z से, तो ये हो जाएगा -21/8 z^-2, और 1 से करने पे तो सेम ही आ जाएगा। ये बस चेक करना चाह रहा है तुम्हारा, तुम्हें फ्रैक्शन कितने अच्छे से आते हैं डिवाइड करना कुल मिला के, बस ये कहानी है इसमें, लेकिन बहुत आसान है ये, बस ये यहाँ तक ही फाइंड करना, इसके आगे नहीं जाना। और साइनों को कर दो अपोजिट, ये है यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन किसका प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का तो हो गया प्लस का, ये प्लस का माइनस का, तो और ये क्या हो जाएंगे, ये वाले टर्म हो जाएंगे कैंसिल। अब z^-2 वालों को ऐड वो कर लो उनके साइन के साथ, तो ये आ रहा -3/4 z^-2, और ये कितना रहा प्लस वाला, प्लस वाला लेना नीचे वाला साइन है, इन दोनों को ऐड करो, ये जा -6+21/8 यानी 15/8 z^-2, और -7/8 माइनस का लेना क्योंकि रेड वाला साइन देखो z^-3, और ये चलता चले आएगा, बस यहीं पर छोड़ देना, ठीक है, बस यहीं पर छोड़ देना इसको एंड सोन लगा के, जो हमारा एक्स ऑफ जेड आ गया वो किस फॉर्म में आ रहा है, एक्स ऑफ जेड वो किस टाइप का आ रहा है हम इसको देखते हैं यहाँ पे, कितना आ रहा 1/2 z^-1, 1/2 z^-1, आगे क्या 1/2 z^-3/4 z^-2, 3/4 z^-2, अगला क्या आता है यहाँ पे नेक्स्ट देखो, 7/8 z^-3, 7/8 z^-3, इस तरह से एंड सोन लगा के लिख देना, बस इसका आप एक्स ऑफ एन फाइंड करना बहुत आसान है, लिख दो इसका एक्स ऑफ एन,
हमें पता है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ अगेन, जो डेल्टा एन माइनस के का जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना था, जेड की पावर माइनस के। तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से सारे यहाँ पे ऊपर से कॉपी करके लिख देंगे बस, एक्स ऑफ एन कितना आ जाएगा देन, इसमें अगर के की जगह मैं वन लगाऊँ तो जेड की पावर माइनस वन हो जाएगा, यानी डेल्टा एन माइनस वन का ये जेड ट्रांसफॉर्म रहा होगा, डेल्टा एन माइनस वन का, ये डेल्टा एन माइनस टू का हो जाएगा इसी तरह से, डेल्टा एन माइनस टू हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 7/8 डेल्टा एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। ये इसका आंसर है। अगर वैसे लिखना है जहाँ पे ऐसे छोड़ सकते हैं, या और लगा के अगर दूसरे तरीके से लिखना है इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 3/4। एक सेकेंड, एक चीज़ तो बोल गए, जो एन एक्स टू जीरो वहाँ से शुरू करो, जीरो ही पोजीशन बताना जरूरी है ना, जीरो पे कुछ नहीं आया तो जीरो इसकी जीरो की वैल्यू जीरो लगा देंगे, एन एक्स टू वन पे 1/2 सारे चीज़ें लिखते हैं जब उसमें लिखते हैं इस वाले फॉर्मेट में एंड सो ये आंसर है। देखो इसका हम एग्जैक्टली आंसर नहीं निकाल सकते इसके पावर सीरीज की हेल्प से, लेकिन कुछ टर्म्स अगर हमें फाइंड करने हो तो हम जरूर फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी कभी जैसे कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आ जाए, वो लंबा चौड़ा वो दे देगा ट्रांसफर फंक्शन बना के, अगर हमसे पूछ लेगा एक्स ऑफ टू फाइंड करो, तो पावर सीरीज मेथड वहाँ पे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने जाओगे तो उसके फैक्टर ही करते चले जाओगे, नहीं हो पाएगा वो ठीक। तो पावर सीरीज कब लगाना, जब हमें कुछ टर्म्स पूछे गए हों, ठीक है। ये हो गया कोजल के लिए, अब करते हैं एंटी कोजल के लिए। तो एंटी कोजल के लिए क्या कंडीशन होती है भैया, लोवेस्ट पावर से हाईएस्ट पावर में चेंज करना है डिनोमिनेटर को, तो यही काम करेंगे हम। सेकंड पार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन उतार लेते हैं, क्वेश्चन जो गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन 2z² - 3z + 1 मोड जेड क्या 1/2 से छोटा, यानी ये क्या किसका केस है, एंटी कोजल का। एंटी कोजल में क्या करते हैं, डिनोमेटर को छोटी पावर से बड़ी पावर के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, लोवेस्ट पावर से हाईएस्ट पावर में, तो पहले इसको क्या करना, रीअरेंज डिनोमिनेटर। तो एक्स ऑफ जेड क्या बन जाएगा मेरा, न्यूमेटर में कोई चेंज नहीं, बट डिनोमिनेटर को चेंज करना। तो सबसे छोटी पावर ये होगी जेड की पावर जीरो यानी वन वाला टर्म, उसके बाद जेड की पावर वन यानी 3z, देन 2z², ठीक है। ये हो गया रीअरेंज, अब इसका बट डिवाइड करना, यहाँ पे लिखा बस, इसको डिवाइड करना शुरू कर दो, 1 - 3z + 2z² को जेड से डिवाइड करना, बहुत आसान। ये तो ये वन है और ये जेड है, तो जेड को वन से डिवाइड करो यानी जेड, तो पहले टर्म को किससे डिवाइड करना, जेड से, जेड को मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा z - 3z² + 2z³। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसका साइन अपोजिट कर दो, साइन अपोजिट, ये प्लस का ये हो गया माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, ये जो रेड वाले साइन है वो होंगे 3z² - 2z³। अगेन पता लगाओ किससे डिवाइड करना, तो जो भी ये पहला टर्म है उसको उसके पहले टर्म से डिवाइड करके पता लगा लेते हैं। तो 3z² को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3z² ही आने वाला, वो भी प्लस का, सेम यूज कर लेते पेन, चलो कोई बात नहीं, 3z², तो 3z² से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 3z² आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9z³ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6z⁴। अगेन साइन कर दो इनके अपोजिट, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये तो कर दिए इसने कैंसिल, तो और ये कितना आ गया हमारा, ये -2z³ है और ये प्लस का है, प्लस का, माइनस वाला साइन नहीं देख लेना, जो नीचे साइन लिखा होता है वो काम करता है, ये वाला ऊपर वाला अब यूजलेस हो गया, -2 + 9 यानी 7z³, और यहाँ पे ये माइनस का साइन, एक टर्म और निकाल लो बस। तो 7z³ को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, तो मुझे किससे डिवाइड करना है इस बार, 7z³ से, तो ये कितना आ जाएगा 7z³
इसको ऊपर कर देते हैं, 7 z^3 -21 z^4 और इसकी करेंगे 7 × 14 z^5। बस कर दो इनके साइन अपोजिट, जब मैं इसके साइन अपोजिट करता हूँ ये माइनस का हो जाएगा और ये दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कर दो, बस अब इनको कर दो ऐड, ये हो गया कैंसिल। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, -6 + 21 यानी 15 z^4 -14 z^5। ये चलता चले आएगा, बस इतना ही लिख लो यहाँ से, एक्स ऑफ जेड कितना आ गया मेरा, z^3 z^2 + 7 z^3 एंड सो ऑन। इसका बस एक्स ऑफ एन लिखा दो, हमें पता है एक फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ अगेन, डेल्टा एन प्लस के जब पावर प्लस की होती है तो यानी एन प्लस के यूज़ करना, जब माइनस की होती है डेल्टा एन माइनस के यूज़ करना, तो z^k होता है इसका फॉर्मूला, जब k की जगह 1 लगाओ तो यानी z^1 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x ऑफ n मेरा कितना आ गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं अब Δn+1 और z^2 लगाना, यानी k की जगह 2 लगा दूंगा तो Δn+2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 Δn+3 एंड सो ऑन। या तो इस आंसर को लिख सकते हैं या और लगा के लिख सकते हैं एक्स ऑफ एन को। ये ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल है तो कैसे लिखेंगे, उल्टे लिखते लाएंगे इसको, ठीक है। तो जीरो पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, अगेन जीरो क्योंकि हमें दिखाना, फिर -1 पाइए वैल्यू 1 और -2 पाइए वैल्यू 3 और -3 पाइए 7, ठीक है। -3 देन आइए 7 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन लगा के। तो जैसे ऊपर लिखा था ना एंड सो ऑन लगा के, यहाँ पे इसके लिए यहाँ लगा, ये प्लस नहीं है भैया, इसको हटा लेना, ये प्लस नहीं है, एक कॉमा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से जब लेफ्ट हैंड साइड से सिग्नल को लिखते हैं तो इधर से शुरू करते हैं, इस तरीके से हम, अगर हमें कुछ भी टर्म पूछे गए हों, फ्यू टर्म्स पूछे गए हों, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आसान है लिखना करना, बस एक बार डिवीजन आना चाहिए जो हम स्कूल में करते थे, वही सब काम करना है यहाँ पे। बस एक बार ध्यान रखना, कोजल के लिए सबसे बड़ी पावर से सबसे छोटी पावर के टर्म में अरेंज होना चाहिए डिनोमिनेटर, और एंटी कोजल के लिए क्या करना चाहिए, छोटी से लेकर बड़ी पावर में अरेंज होना चाहिए डिनोमिनेटर। इसी तरीके चाहे पावर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव पावर में भी यही करना, कभी कभी नेगेटिव पावर दे देता है एक्स ऑफ जेड में, काम यही करना, छोटी पावर से बड़ी पावर या बड़ी से छोटी पावर, वहाँ पे वो कोजल या एंटी कोजल जरूर बताएगा, ठीक है। अगर नहीं की मैंने बाय चांस तो कोजल मान के कर देना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम कोजल ही लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा, पावर सीरीज का केवल एक ही क्वेश्चन था करना हमें, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कंसेप्ट आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस एक बार कोजल और एंटी कोजल का इसमें मैटर था। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।